दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग सुन ही चुके होंगे कि आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है और इस पर राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया है। आर्टिकल 370 खत्म होने के साथ आर्टिकल 335 ए भी खत्म हो गया है, जिसमें 335 ए से राज्य के अस्थायी निवासी के पहचान होती थी। ठीक है, राज्य सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने 370 के खात्मे के साथ प्रदेश के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी किया है। बिल में प्रस्ताव किया गया है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर की जगह दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, एक का नाम होगा जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम होगा लद्दाख। दोनों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद भी ऐसा हो पाएगा? अभी ये तो केवल बिल बिल ही है। इस बदलाव के बाद अब 370 आर्टिकल 370 का केवल एक सेक्शन जो है बाकी रखा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी बदलाव को जारी कर सकते हैं। गृह मंत्री ने बताया कि इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने का प्रस्ताव नहीं, मतलब वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और सीमा पार से आतंकवाद की स्थितियों को देखते हुए किया गया है, जो केंद्र शासित बनाने का दर्जा प्रस्ताव किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।